कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के प्रेम बाग परिसर में जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ और एमसीबी के कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आपको बता दें कि सहकारी समिति संघ के द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में 20 अक्टूबर को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी 2058 सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य सुविधाएं के लाभ देने की मांग प्रमुख है। संघ की दूसरी मांग सेवा नियम 2018 की आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतन लागू की जाए। संघ की तीसरी और अंतिम मांग ये है कि धान उठाव में देरी होने के कारण कीमत वसूली न जाए। सहकारी समिति अध्यक्ष अजय साहू ने बताया कि सरकार की तरफ से ये तीनों मांगे पूरी नहीं की गई और इसीलिए प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, ये सरकार के द्वारा जो धान नीति जारी किया गया है 24-25 का, उसमें पिछले बार जो भी अनुबंध था उस पर भी 2-3 चीज़ को हटा दिया गया है। जैसे कि 72 घंटा में उठाव का अनुबंध में था, जो इस बार वो उसको हटा दिया गया। 28 फरवरी को पूर्व वर्ष में दिया गया था उठाव अंतिम दिवस, जो इस बार 31 मार्च कर दिया गया है। जब 28 फरवरी दिया गया है तब मार्च हमारा धान जो है जून में उठा है, और अगर 31 मार्च करते हैं तो फिर धान कब उठेगा? और इसके लिए सारा जवाबदारी समिति को दिया जाता है। खुले मैदान में धान खरीदी करवाया जाता है, खुले मैदान में अन्न को रखेंगे जिसमें कि लगातार धूप पानी चूहा दीमक सारा चीज़ से बचत करना होगा समिति को, और इतने लंबे अंतराल तक अगर रखा जाए तो उसमें क्वालिटी भी खराब होगा, उसके लिए भी जवाबदारी संस्था को ही माना जाता है। तो हम लोग का मांग यही है प्रमुख रूप से कि इसको तत्काल अपना शासन हमसे खरीदी कराता है, खरीदी के हम लोग जवाबदार हैं, ना कि हम लोग परिवहन के जवाबदार हैं, और परिवहन समय पे कराया जाए जिससे धान में सुखत ना आए। और यदि सुखत आता है उसके लिए हम लोग को कोई आश्वासन मिले उनके तरफ से, जबकि अभी तक ऐसा कोई आश्वासन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, इस कारण हम लोग का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मामला मुख्य रूप से धान खरीदी में धान का सुखद का है, क्योंकि संग्रहण केंद्रों में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी सुखद का प्रावधान रखा हुआ है, संग्रहण केंद्रों में सुखद का प्रावधान है, मगर जहां धान खरीदी हो रही है जिस समितियां खरीद रही है उस समितियों में धान खरीदी हो तो रही है। उठाव करने के लिए तो प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि हम 72 घंटे के अंदर उठाव करा लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। जमीनी स्तर पर देखेंगे तो ऐसा होता नहीं, इसलिए क्योंकि किसी भी आप कोई प्रैक्टिकली भी करना चाहे तो 10 किलो धान को रख के 1 किलो धान को रख के 1 महीना धूप में रख के देखें कितने परसेंट उसमें सूखा आता है, वो वेरीफाई करें। तो प्रशासन कैसे हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि धान सूखता नहीं, और अगर 1 महीना धान हमारे पास 40,000 क्विंटल का स्टॉक रहा है तो अगर 800 क्विंटल सूखत आई तो वो कैसे कहते हैं कि किस एंगल में कहते हैं कि वो धान सूखा नहीं? समिति प्रबंधक भरेगा कहाँ से भर पाएंगे? 10,000 की नौकरी करते हैं, डेली जेल जाने का डर लगा।